नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महादशा के बारे में। दोस्तों, कई बार आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं या एक पुजारी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पंडित जी मुझे विदेश कब जाना है, शिक्षा में मेरा इस साल का परिणाम क्या रहेगा, क्या मेरी आर्थिक स्थिति अगले 2 सालों में मजबूत होगी कि नहीं होगी। जो पंडित जी हैं वो आपकी कुंडली देखते हैं, कुंडली में एक चार्ट देखते हैं, उस चार्ट में जितने भी आपके ये प्लैनेट्स आपके सामने दिख रहे हैं राइट हैंड साइड्स में, उनके सामने इनका टाइम पीरियड लिखा होता है कि भाई जो आपका सूर्य है, आपका चंद्रमा है, मंगल है, राहु है, देवगुरु बृहस्पति हैं, शनिदेव हैं, बुध हैं, केतु हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं, इनका टाइम पीरियड कितने टाइम तक चलता रहेगा। तो वो उस चीज को देखते हैं, उनकी टाइम पीरियड को देखते हैं। अगर वो टाइम पीरियड आपकी कुंडली में अच्छा है, आपकी कुंडली में वो अच्छे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आप इस टाइम पे आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा और आप बाहर जाने योग्य या आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सभी कुछ महादशा का पार्ट है। आप जब आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, कुंडली में विषुवमती दशा लिखा होगा, वहां पे वो जो विषुवमती दशा होती है वो आपकी पूरी लाइफ टाइम की दशाओं के बारे में, आपकी महादशा किसकी चल रही है उसके बारे में आपको पता लग जाता है। आप ऑनलाइन कहीं से भी अपना कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू कुंडली बनाते हैं तो आपको वहां पर महादशा आपको लिखी हुई मिलेगी। तो दोस्तों, जो आपके सूर्यदेव होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो होते हैं, इनकी जो महादशा होती है वो 6 साल की होती है, 6 ईयर्स। मतलब जो 6 साल तक, 6 ईयर्स तक आपकी सूर्यदेव की महादशा चलेगी और इसके अंदर सब महादशा, अंतरदशा और प्राण दशा, ये सारी की सारी दशाएं चलती रहती हैं। मतलब कि जो महादशा है वो सूर्य की है, तो सूर्य आपके मेन कारक होंगे, तो सूर्य जो होंगे वो मेन रिजल्ट देने वाले होंगे, बाकी अपने अपने छोटे छोटे फेजेस में आकर अपना अपना काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके चंद्रदेव आते हैं, जो चंद्रमा देव होते हैं, इनकी 10 साल की महादशा चलती है, ये आप लिख लीजिए, आपको ये याद रखने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों आपके यहां पर है मंगलदेव, जो मंगलदेव है इनकी जो महादशा होती है वो 7 साल की होती है। उसके बाद आपके राहु देव जो होते हैं, आपके जो राहु देव हैं, जो उनकी महादशा होती है, राहु देव की जो राहु देव हैं उनकी जो महादशा होती है वो 18 साल की होती है। उसके बाद आपके गुरु बृहस्पति हैं, जो बृहस्पति देव होती हैं, जो उनकी महादशा होती है वो 16 साल की होती है, 16 ईयर्स की होती है। फिर आपके शनिदेव हैं जिसे हम सैटर्न कहते हैं, और शनिदेव की जो महादशा होती है वो 19 साल की होती है। फिर आपके मरकरी हैं, बुध देव हैं, और बुध देव की जो महादशा होती है वो 17 साल की होती है। उसके बाद फिर से आपके केतु हो गए, जो केतु जो होते हैं उनकी जो महादशा होती है वो 7 साल की होती है। और लास्ट में आपके जो रह गए हैं वो आपके शुक्रदेव रह गए हैं, जिसको हम वीनस कहते हैं, और वीनस की जो महादशा होती है वो 20 ईयर्स की होती है। दोस्तों, जो देखने आपने इन सभी महादशा में देख सकते हैं, जो शुक्र देव होते हैं उनकी महादशा सबसे ज्यादा होती है, अर्थात 20 साल की जो महादशा होती है वो सूर्य देव की, वो आपकी शुक्र देव की होती है, बाकियों की दशाएं कम होती हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है जो यहाँ पे केतु लिखा है, इसकी जो महादशा होती है 7 साल होती है। कहते हैं जो केतु है वो शेडो ऑफ मंगल है, यानी कि मंगल देव का जो परछाई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम केतु कहते हैं। तो आपको इन महादशा के सीक्वेंस के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये महादशा ही होगी कि इनके टाइम पीरियड का आपको पता लगेगा, आपको कैसे रिजल्ट मिलने हैं, आपको विदेश जाना कैसे जाना है। आप कुंडली अपनी उठाइए, कुंडली में आप देखिए, आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। आप कुंडली फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कुंडली मान लीजिए, ये कोई कुंडली है, ये आपकी कुंडली है, इस कुंडली में आपको दिख रहा है यहाँ जुपिटर लिखा है, मरकरी लिखा है, इस तरीके से आपके ग्रह यहाँ पे मौजूद है। आप अपने विषुवमती दशा को देखिए कि जुपिटर की महादशा क्या चल रही है और ये किस घर में बैठा हो। मान लीजिए ये 1 नंबर पे बैठा हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ पे जुपिटर की महादशा चल रही है, महादशा का टाइम चल रहा है, तो आपको पता लगेगा कि जुपिटर अपनी महादशा में क्या क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आप बृहस्पति होता है वो 5, 7, 9 में अपनी दृष्टि डालता है। मान लीजिए अगर जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 में दृष्टि डालेगा, 6, 7 में निकलेगा, 8, 9 3 जगह पे अपनी दृष्टि डालेगा और आपको उसके रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। बस आपको करना क्या है, आपको कुंडली के इन सभी भावों का पता होना चाहिए कि कौन सा घर किसके लायक होता है। दोस्तों, ये था महादशा। आने वाले अध्याय में, आने वाले चैप्टर, आने वाले हम ट्यूटोरियल में और भी लेक्चर में और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक, सब्सक्राइब और घंटी पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।